एक करोड़ नौकरी की बात करते हैं, पहले बताइए ये कैसा अलायंस है। मैंने फर्स्ट तो कोई जारी कर रहा है अपना कोई, और एक करोड़ नौकरी ऑल ओवर इंडिया की। हमको समझाइए, ये लोग एक गठबंधन में हैं, गठबंधन में ये देश में प्रधानमंत्री चुनने का ये चुनाव है, ये कोई मुख्यमंत्री या विधानसभा का चुनाव नहीं ना है, ये देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। ऐसे में मुझे बताइए कि इनकी पार्टी से कौन है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। भाई ये मैनिफेस्टो राष्ट्रीय स्तर पे जारी होने वाला मैनिफेस्टो है ना, एक ऐसा मैनिफेस्टो, जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो प्रधानमंत्री ये करेंगे, जब देश की सरकार। अब मुझे नहीं पता कि राजद के लोगों को भारत के संघीय ढांचे में भी की भी जानकारी है कि नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर की जानकारी है कि नहीं, कि लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री के लिए होता है, विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री के लिए होता है। जब आप मुख्यमंत्री का आप चुनाव लड़िए, आप लेकर आइए मैनिफेस्टो। भाई हम लोग भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं, पर वो राज्य के चुनाव के लिए है। जब देश का चुनाव हो रहा है, यहां पर आप प्रधानमंत्री को आप चुनने जा रहे हैं, ऐसे में इस तरीके से भौकाली वादे लाकर करना, कौन बनने जा रहे हैं आपकी पार्टी में से प्रधानमंत्री, आपके तो गठबंधन में से भी कौन बनेगा ये भी किसी को नहीं पता। तो ये सारी बातें सिर्फ एक ऐसा स्वप्न है जो दिखाकर लोगों को भ्रमित कर उनका वोट लेने का प्रयास किया जाता है, पर अब ये वो 90 का दशक नहीं रहा, लोग जागरूक हो गए, लोग जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है।